चला, आर्या इलेव्हन आणि ईसीसी सेमी फायनल वन ची लढत असणार आहे. टॉप फोर मधली सेमी फायनल वन, आर्या इलेव्हन आणि ईसीसी. चला सामन्याला सुरुवात असणार आहे. मुस्लिम क्रिकेट क्लब आयोजित मुस्लिम बॉक्स प्रीमियर लीग 2024 सीझन 4. आणि या सीझन 4 मध्ये टॉप 4 मध्ये आलेल्या संघाची पहिली सेमी फायनल असणार आहे आर्या इलेव्हन आणि ईसीसी. चला मोमेंटम मोमेंटम, दोन्ही संघ विजयपद घेऊन आलेल्या टॉप 4 मध्ये, आणि मोमेंटम कोणाकडे असणार आहे. आणि यानंतर सेमी फायनल 2 चा विचार केला तिकडे पण मित्रांनो मोठी मॅच आहे. श्री फैयाजी शेख वॉज जावेद मंसूरी यांच्या दोघांमध्ये होणार आहे सेमी फायनलची लढत. चला एक्झिबिशन मॅच चा विचार केला तर मुझम्मिल खाली आणि तर त्या मॅच मध्ये बहारच सोडून दिली. एक काय बॅटिंग दिसली त्याच्या बॅट मधून. चला मुख्य पंच, चला बॉल द्यायचे. सामन्याला सुरुवात करायची आहे आर्या इलेव्हन आणि ईसीसी संघ. आर्या इलेव्हन आणि ईसीसी सेमी फायनल वन, टॉप फोर मधील संघ, जो संघ जिथेल तो जाईल इन टू द फायनल. जो संघ ही मॅच जिंकेल तो जाणार आहे मुस्लिम क्रिकेट क्लब आयोजित मुस्लिम बॉक्स प्रीमियर लीग 2024 सीझन 4 च्या फायनल मध्ये. चला मुख्य पंच ओमकार पाटील, सामना सुरू करायचा आहे. रहीम गोलंदाजी माधव सज्ज, दोन्ही संघाचा एक्स्ट्रा खेळाडू आर्या इलेव्हन आणि ईसीसी एक्स्ट्रा प्लेयर. चला मित्रांनो मॅच मध्ये रंग रंग आणि रंग मित्रांनो, चौका आलेला, एक मोठी लढत असणार आहे. आणि एक फुलटॉस चेंडू होता त्याला पूर्णपणे त्या फुलटॉस चेंडूचा अपमान केलाय. मुझम्मिल खान यांच्या हाताला चेंडू स्पर्श करून गेलाय सीमा रेषा बाहेर. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू गेलाय सीमा रेषा बाहेर. समीर ऑन द फायर ऑन स्ट्राइक एंड, सुंदर चौकार, दोन चौकार त्याच्या बॅट मधून आलेल्या मित्रांनो. आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली 9 ऑन बोर्ड. चला रहीमचा पहिला षटक आतापर्यंत विचार केला तर खूप सुंदर षटक हाताळले होते दोन मॅच मध्ये. आता कुठेतरी मित्रांनो महाग महाग दोन चेंडू मध्ये 9 धावा झालेल्या आहेत. चला यष्टी रक्षक स्वतः कान मंत्र द्यायला येताना विकेट कीपर. दोन चेंडू आणि 9 धावा झालेल्या आहेत. दोन चेंडू 9 धावा, तीन चेंडू 9 धावा, सॉरी. खोलवर टप्प्याचा चेंडू आता कम बॅक केलेला आहे रहीम यांनी. 4 चेंडू 10 धावा. चला कल्पना स्ट्राईक वर आलेला आहे. 4 चेंडू 10 धावा आले की त्यांनी केलेला फटका. एकेरी धावीने धावसंख्या पुढे सरकते, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 11 ऑन बोर्ड. 5 चेंडू 11 धावा. फुलटॉस चेंडू मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते 11. 11 ऑन बोर्ड. चुकी घडली आणि दोन चौकार आले त्या समीर याच्या बॅट मधून. चला एक अष्टपैलू खेळाडू गोलंदाजीसाठी येतोय मुझम्मिल खान. चला हॅलो, टीम मीटिंग कमी करायची आहे. 15 मिनिट, 4 षटक झाले पाहिजे आयोजन कमिटीकडून नियम आलेला आहे. मुझम्मिल खान गोलंदाजी माधव सज्ज आहे मित्रांनो. आणि कल्फान स्ट्राईक एंड वरती एक अष्टपैलू खेळाडू.
सुंदर चेंडू आताळलाय बाबांचा ओमकार पाटील व्हाईटचा इशारा करता आणि व्हाईट प्लस अशा दोन धावा मित्रांनो धावसंख्येत ऍड होतील. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 13 धावा. कुठेतरी सीसी संघ महागडा षटक हाताळलं पहिलं षटक, त्याच्यानंतर या दोन अतिरिक्त धावा धावसंख्येत ऍड झाला. चला समीर आला स्ट्राईकवर, रिस्पेक्ट, चांगला चेंडू हाताळला होता मुझम्मिल खान यांनी, त्या चेंडूला पूर्णपणे रिस्पेक्ट, अच्छे का सन्मान समीर यांच्याकडून झालेला आहे. 14 एक चेंडू 14 धावा. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, धावतीची संधी, डायरेक्ट हिट असतं तर कुठेतरी गडी माघारी परतला असता, पण एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना धावसंख्या जाऊन पुसते ती 15 धावा. 2 चेंडू 15 धावा. हलक्या त्यांनी खेळला फटका स्वीपच्या दिशेने. समीरला माहिती आहे मुझम्मिल खालण्याचा षटक एक अष्टपैलू खेळाडूचे षटक आहे, त्या षटकावर पूर्णपणे त्याच्या चांगल्या चेंडूला रिस्पेक्ट देताना दिसतोय. 3 चेंडू आणि 16 धावा. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू वाढलाय पण धावचित नाही झाला, पण एक धाव आपल्या संघासाठी नाही रोखू शकले. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना धावसंख्या जाऊन पोहोचली 17 1717 ऑन बोर्ड. 4 चेंडू 17 धावा. सुंदर गोलंदाजी मुझम्मिल खान यांच्याकडून, सुंदर षटक हातावतोय. 5 चेंडू 18 धावा. दुसऱ्या षटकाचा शेवटचा चेंडू मार्गस्थ असताना धावसंख्या जाऊन पोहोचली 18. समीरला माहिती आहे हे महत्वाचं षटक आहे, ते षटक सिंगलनी काम चालवतोय, पण कल्पाने एका बाजूला आपला स्ट्राईक होती. आता धावचीची संधी चुकी घडते. एकीने धावसंख्या पुढे सरकताना दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली 1919 ऑन बोर्ड. चलो फैयाज दिशा गेंद की तरफ से इक्वेशन आ गया, 12 आया तो भी 3 बाउंड्री का मॅच बनता है. चला मित्रांनो मैदानाच्या आतमध्ये बघूया काय इक्वेशन काय समीकरण घडणार आहे. आणि गोलंदाजी मारव गेले मुझम्मिल खान यांचे दुसरे बंधू गुड्डू. चला हा एक जाणा महिना गोलंदाज आहे. व्हाईटचा कॉल आला होता नॉन स्ट्राईक अकॅडमी, पंच ओमकार पाटील व्हाईटचा इशारा करताना एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना धावसंख्या जाऊन पोहोचते 20. चला MCC मुस्लिम क्रिकेट लीग आयोजित मुस्लिम बॉक्स प्रीमियर लीग, आपले युवा आमदार क्षितिजदा ठाकूर यांचंही या स्पर्धेसाठी थोड्याच वेळात आगमन होणार आहे. चला बॉल द्यायचा आहे. युवा आमदार क्षितिजदा ठाकूर यांचंही या स्पर्धेत थोड्याच वेळात आमदार होणार आहे. चला सामन्याचा विचार केला तर सरफराज खान मैदानाच्या आतमध्ये त्यांना दिसत आहेत. सरफराज शेख स्ट्राईक वरती असतील. आणि धावसंख्येचा विचार केला धावसंख्या जाऊन पोहोचते 20. बहुजन विकास आघाड युवा आमदार क्षितिजदा ठाकूर यांचं या स्पर्धेत थोड्या वेळात आगमन होणार आहे.
चला सामना करूचे शांतता, सायलेंट सायलेंट. यूट्यूब लाईव्ह मॅच आहेत आपल्याला, पाटील नेटवर्क यांच्या माध्यमातून या यूट्यूब लाईव्ह मॅच असतील. चला सरफराज खान मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. एक चेंडू 20 धावा, एक चेंडू 20 धावा, तिसरा षटक मार्गस्थ असताना चेंडू 20 धावा झालेले. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू अडलाय. सरफराज खान पायाला इजा असूनही सुद्धा मैदानाच्या आतमध्ये गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दिसते. चला समीर आलेला आहे स्ट्राईक अँड वरती, हलक्या त्याने गेलेला फटका चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये स्टेजच्या दिशेने. एकेरी धाव्याने धावसंख्या पुढे सरकताना धावसंख्या जाऊन पोहोचली 22 ऑन बोर्ड, 22 धावा झालेल्या आहेत, 22. चला 22 ऑन बोर्ड. सरफराज याचा विचार केला तर मॅन ऑफ द मॅच ची टी शर्ट घालून मैदानाच्या आतमध्ये दिसतात. पायाला इजा असूनही मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू गेला. एक लक चौका, लक्की चौका आयरा 11 या संघासाठी मित्रांनो. 4 ने धावसंख्या पुढे सरकताना धावसंख्या जाऊन पोहोचली 26 ऑन बोर्ड, 4 चेंडू 26 धावा, 4 चेंडू 26, 4 चेंडू 26 धावा. सरफराज यांच्यासाठी एक लक्की चौकार, एक मॅजिक चौकार केला मित्रांनो, एक हार्ड लक असू शकते ईसीसी या संघाला. 4 चेंडू 26 धावा. वाईडचा कॉल आला होता आणि वाईडची सांगता होता ना, पण चमकार पाटील आपल्या गाखेत हवा टाकताना वाईडच्या इशारेत. 4 चेंडू 27 धावा. आणि मित्रांनो गुड्डू कम बॅक करताना 5 चेंडू, निर्धाव चेंडूची सांगता. फुलटॉस चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, सरफराज पोहोचेल का? पायाला इजा आहे. काय मित्रांनो टाय वाजवतात, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. त्याच्या पायाला दुखापत आहे तरी मैदानाच्या आतमध्ये खेळताना दिसतोय. तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली 28 ऑन बोर्ड, 3 ओव्हर पूर्ण झाले त्यांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचे 28. मुस्लिम क्रिकेट क्लब आयोजित मुस्लिम बॉक्स प्रीमियर लीग 2024 सीझन 4 या स्पर्धेसाठी बहुजन विकास आघाडी युवा आमदार क्षितिज ठाकूर यांचं तिकडे थोड्याच वेळात आगमन होणार आहे. या स्पर्धेसाठी प्रमुख होते ती म्हणून आपल्याला युवा आमदार क्षितिज ठाकूर यांचं आगमन होणार आहे. चला मुख्य पंच ओमकार पाटील टीम मीटिंग कमी करायला सांगायची आहे. 15 मिनिटात 4 षटक आतडले झाले पाहिजे. ट्वेंटी एट ऑन बोर्ड. चला शहीद आलेला आहे सांघिक चौथं आणि वैयक्तिक पहिले षटक घेऊन आलेला तो शहीद. चला सामन्याला सुरुवात. पहिला चेंडू, चांगला चेंडू हाताला होता, त्या चेंडूला पूर्णपणे सन्मान डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ढकललाय. एकेरी धावेने धावसंख्या जाऊन पोहोचली 29 ऑन बोर्ड, 1 चेंडू 29 धावा. चला एकीकडे आपल्याला दुसऱ्या सामन्याची नाणेफेक होताना दिसणार आहे. इकरा सीसी आणि जेडीएस नाणेफेक होणार आहे. 2 चेंडू 30 धावा. लेग बायचा इशारा पंच ओमकार पाटील यांच्याकडून आणि एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना धावसंख्या जाऊन पोहोचली 31 ऑन बोर्ड. 31 ऑन बोर्ड, 2 मिनिटं, धावा प्लेयर आलाय. 31 ऑन बोर्ड. चला 31 ऑन बोर्ड, त्याला जागा द्यायची जायला. चला सामना स्टार्ट करायचा. 4 चेंडू 32 रन्स ऑन बोर्ड, 3-2 32. चला
सरफराज शेवटच्या दोन सामना करणार आहेत. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न सुंदर क्षेत्ररक्षण. मित्रांनो झेल टिपलाय का सुंदर क्षेत्ररक्षण. काय क्षेत्ररक्षण आहे मुझम्मिल खाल यांच्या, असे सर्वांनी टाळ्या वाजवायच्यात. एक सुंदर फिल्डिंग, दर्जा दाखवलाय, क्लास दाखवलाय त्याचा. तो काय एक अष्टपैलू खेळाडू ओळख असते त्याची. थर्टी थ्री ऑन बोर्ड. सुंदर क्षेत्ररक्षण आपल्या संघासाठी तीन धावा रोखल्यात. समीर भाई शेवटचा चेंडू होत. चला दोन धावा होतील का पूर्ण? झाल्या झाल्या. तिसरा पण पूर्ण आहे. नाही पाहायला इजा आहे, नाही तर तिसराही पूर्ण झाला असता. चेंडू डी चालला होता पण अडवला. आणि सरफराज यांची काबिलियत, दोन धावा पूर्ण केल्या धावून मित्रांनो. आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 35 ऑन बोर्ड. 36 रनचं मोठं टार्गेट असणार आहे ई सी सी या संघाला. 36 रनचं टार्गेट असेल. चला बॉल आणायचा. मॅच झाल्यानंतर बॉल सर्वांनी समालोचन कक्षाकडे जमा करायचे. आयरा 11 और ईसीसी, इन दोनों के बीच में जो अभी मैच हुआ है यहाँ पे 36 का इनको टारगेट. इकरा सीसी और जेडीएस का यहाँ पे टॉस होगा इम्तियाज भाई के हाथों से. विन द टॉस. कौन जीता टॉस? इकरा सीसी विन द टॉस और जेडीएस यहाँ पे टॉस हार चुका है. और अभी ईसीसी ईदगाह क्रिकेट क्लब और आयरा क्रिकेट क्लब 11 यहाँ पर दोनों का मैच होगा. जल्द से जल्द फील्डिंग लगाया जाए बोपा, जल्द से जल्द फील्डिंग लगाया जाए. और स्ट्राइक पे सामना करेंगे सलामी बल्लेबाज जोड़ी सईद सैयद और मुज्जू. देखते हैं ये दोनों इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं क्योंकि सईद भी अच्छे बैट्समैन है और मुज्जू भी सलामी बल्लेबाज. दोनों जोड़ी अपनी टीम के लिए क्या प्रदर्शन करेगी, अपने बल्ले से कितना स्कोर अपनी टीम के लिए जोड़ सकते हैं. सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला ईसीसी और आयरा 11 के दोनों टीम के बीचों में ये मैच पहला सेमीफाइनल होता हुआ. सेकेंड सेमीफाइनल होगा जेडीएस और इकरा 11. जरा फील्ड से जल्दी चलो, थोड़ा गार्डन नहीं है दोस्तों, मैच चालू है. थोड़ा फास्ट कदम पे कदम फास्ट करो. मैच शुरू होता हुआ अंपायर लेग अंपायर प्लीज जल्द से जल्द ये मैच चालू किया जाए. टाइम बहुत कम है, टाइम के हिसाब से जल्द से जल्द चालू करो नहीं तो पेनल्टी मिलेगा. सामना करेंगे सईद बॉलिंग पे, असलम 36 का यहाँ पे टारगेट है. और अच्छी यहाँ पर फील्डिंग करते हुए समीर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो कीपर द्वारा. पहली गेंद में पहला रन खाता खोलते हुए सईद. बल्ले से एक रन आता हुआ. सामना करेंगे मुज्जू असलम बॉलिंग पे. और ये हल्के हाथ से पुश कर दिया रन कंप्लीट करते हुए. यहाँ पर थोड़ा सा गलत थ्रो और ये चार रन यहाँ पे उनको पेनल्टी मिल सकती थी अगर यहाँ फील्डर मौजूद नहीं होते तो. खराब थ्रो और अच्छी क्षेत्ररक्षण.
सामना करेंगे सईद इस्लम शेख। विरार मुस्लिम प्रीमियर लीग और ये बॉल उनको समझ में नहीं आया, बीट करते हुए असलम अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर। सईद बड़े बैट्समैन है लेकिन उनको भी बीट कर दिए ये बॉल, देखते हैं इस बॉल में कितने रन आते हैं। और ये अच्छा शॉट और अच्छी फील्डिंग की कोशिश, यहाँ पे चार रन मिलेगा सईद के बल्ले से निकलता हुआ, बड़ा स्कोर, चार रन अपने बल्ले से जोड़ते हुए अपनी टीम के खाते में। चार गेंदों में स्कोर होता हुआ छह। जिलानी की यहाँ पे अच्छी फील्डिंग की कोशिश परंतु वहां चार रन मिलेंगे और ये टैप खेल दिया है, एक रन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक रन कंप्लीट करते हुए सईद स्ट्राइक पे मुज्जू। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद में पांच गेंदों में सात रन जुड़ चुके हैं और ये पुश कर दिया हल्के हाथों से, एक रन डिक्लेयर जोन में जाता हुआ, एक रन कंप्लीट। एक ओवर की समाप्ति में स्कोर होता हुआ आठ। आयरा इलेवन ने एक ओवर में आठ रन दिए और 36 का ये बड़ा टारगेट है, 24 गेंदों में 36 रन बनाना है। तो देखते हैं इन तीन ओवर में बल्लेबाज अपने बल्ले से क्या जादू दिखाते और ये स्कोर को कंप्लीट कर पाते या नहीं, ये देखना है अभी कुछ ही देरों में। काफी बड़ी मैच ग्राउंड में, काफी पब्लिक दर्शकों से भरता हुआ ये ग्राउंड, पहला सेमीफाइनल मैच, दोनों बड़ी टीम अच्छी टीम दोनों ने अच्छा अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर यहाँ तक पहुंचे। दोनों टीम के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन जो इस मैच में और यहाँ तक ये आए हैं। लेग साइड में डालने की कोशिश और ये हल्के हाथों से खेलते हुए मुज्जू एक रन अपने बल्ले से जोड़ते हुए अपनी टीम के खाते में। बॉलिंग पे भोपा, सामना करेंगे सईद। लेग साइड की दिशा में एक रन डिक्लेयर जोन में। खेलने की कोशिश यहां पे मिस फील्ड, कोई रन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तालमेल बिगड़ा और बॉलर के हाथों से बॉल छलकता हुआ यहां पर कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी करते हुए भोपा, काफी ग्राउंड में दर्शकों से भरा हुआ मैदान खचाखच। ऑफ साइड की दिशा में हल्के हाथ से खेल दिया है और यहां पर एक रन कंप्लीट करते हुए डिक्लेयर जोन में स्कोर बढ़ता हुआ 11। चार बॉल में दो ओवर की गेंद चेंज दो बची हुई है और ये बड़ा विकेट यहां पे झटका, दोनों का तालमेल आपस में नहीं मिलते और यहां पे विकेट फिर गिरते। तालमेल दोस्तों जो दोनों बैट्समैन में होना चाहिए कि एक दूसरे में किस तरह से रनिंग किया जाए, एक दूसरे का कॉल सुना जाए, ये कॉल नहीं सुनने के वजह से यहां पे विकेट जाता हुआ, बड़ा विकेट यहां पे सईद सैयद का, बड़ा झटका। ईसीसी को ईदगाह 11 और ये मारने की कोशिश, अच्छा यहां पे जिलाई ने ट्राई किया था परंतु काफी दूर बॉल था और यहाँ पे चार रन मिल गया। स्ट्रेट ड्राइव करते हुए मुज्जू, अच्छा शॉट, कड़क शॉट यहाँ पर देखते हुए चार रन मिलेगा। यहाँ पे अच्छी फील्डिंग की थी जिलाई ने, जंप किया था उन्होंने पर हाथ में बॉल उनको टच नहीं हुआ। अच्छी फील्डिंग की कोशिश यहाँ पर और थोड़ा आयरा इलेवन जल्द से जल्द थोड़ा मैच शुरू करो। अच्छी फील्डिंग, हार्ड लक जिलानी, अच्छा जम, अच्छी डाई, दर्शकों के खेमे में यहाँ पर थोड़ा सा उत्साहित होते हुए दर्शक इस फील्डिंग का लाभ लेते हुए, इस चौके का लाभ लेते हुए, मजा आ रहा है इस मैच में। दोस्तों आपसे गुजारिश है थोड़ा आप लोग इस फाइनल को देख के जाए। स्कोर बढ़ता हुआ
15, दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर होता हुआ 15, तीसरी ओवर शुरू होगी। बॉलिंग पे आए हैं सरफराज, कुछ ही देर में हमारे माननीय श्री क्षितिज दादा ठाकुर, बहुजन विकास आघाड़ी के जो MLA है, उनका आगमन होगा, तो उनके स्वागत के लिए हमको उपस्थित रहना है। यहाँ पर ऑफसाइड की दिशा में खेलते हुए बॉल जंप करते हुए यहाँ पर अच्छी फील्डिंग सरफराज द्वारा और एक रन कंप्लीट करते हुए मुज्जू। गुड्डू के बल्ले से एक रन जुड़ता हुआ अपनी टीम के लिए। सरफराज बॉलिंग पे, सामना करेंगे मुज्जू और ये बहुत ही अच्छा शॉट गैप मारा है इन्होंने, शानदार चमनप्रास, डाबर का चमनप्रास चौका मारते हुए यहाँ पे चुकीला माफी नहीं, थोड़ा सा तालमेल फील्डिंग में चेंज होता हुआ, कंफ्यूज फील्डर कि बॉल रुकाऊ या ना रुकाऊ, चेंजेस करते हुए फील्डिंग में, और ये चौका बहुत ही अच्छा चौका था, इसे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ग्राउंड शॉट था वो और काफी गैप में मारा है चौका। अच्छी बाउंड्री का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे मुज्जू अपने बल्ले से चार रन जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए लेग साइड की दिशा में खेल दिए और यहाँ पर एक रन डिक्लेयर जोन में जाता हुआ, एक रन मिलेगा। तीन गेंद हो चुकी है, तीन बॉल 21 रन यहाँ पे हो चुके हैं जिसमें एक रन एक चौका आया है और ये मारने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग और ये अंपायर का इशारा, यहाँ पर आउट होते हुए बाद हो चुके हैं यहाँ पे फील्डर बैट्समैन, अच्छी फील्डिंग करते हुए यहाँ पे फील्डर आयरा 11 के, स्कोर होता हुआ 21, चार गेंदे। चार बॉल हो चुके हैं और एक बड़ा विकेट का झटका यहाँ पर गुड्डू का, अच्छा मारा था उन्होंने लेकिन रनिंग नहीं कर पाया और यहाँ पर उनका एक विकेट गिरता हुआ ECC का, रहीम शेख यहाँ पे नॉन स्ट्राइक पे आया और ये कैच हो सकता था परंतु एक रन कंप्लीट करते हुए मुज्जू, सामना करेंगे रहीम। आखिरी गेंद है, सामना करेंगे रहीम शेख, अच्छे बैट्समैन है, अच्छे बॉलर है, ऑलराउंडर कहलाते हैं रहीम शेख। देखते हैं वो अपने बल्ले से अपनी टीम के लिए, पहले ओवर में उनको दो चौके लगातार आए थे जो पहले ओवर रहीम शेख ने किए, अभी ये अपने उस बदले को कर सकते हैं या पूरा वो देखना है। और यहाँ पर कोई तालमेल नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि तालमेल नहीं रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे विकेट जानी ही जानी है और ये कोई अपना खाता खोले हुए बगैर यहाँ पे रहीम शेख रन आउट हो चुके हैं। अभी इनका साथ देने आएंगे, हाँ बहुत चाहिए, अभी 22 है, 36 मतलब 14 रन चाहिए, 6 गेंदों में 14 रन चाहिए, काफी यहाँ पे बड़ा मैच और तालमेल यहाँ पे खराब होने के वजह से ये स्कोर थोड़ा सा डगमगा गया है दोस्तों। देखते हैं ये मैच काफी रोमांचिक होती जा रही है, स्कोर 6 बॉल 14 रन की जरूरत है, देखते हैं यहाँ पर अभी ये टीम आयरा 11 का ये सेमीफाइनल, ये टीम ये मैच जीतती है तो फाइनल में इनका प्रवेश होगा और ECC सेमीफाइनल में आके अपना थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है वो वीक कर दिए क्योंकि बड़ा स्कोर था 35, इनको यहाँ पे टोटल स्कोर 36 दिया हुआ है आयरा 11 ने। और अभी मुज्जू को यहाँ पर 6 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता अपने टीम के लिए, अपने बल्ले से वो कितने रन जोड़ सकते, क्या इस मैच को वो अपने विजेत कर सकते हैं या फिर वो अपनी टीम को, और ये मारने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही उमदा फील्डिंग, सीधा गेंद हाथों में आता हुआ
साजिद बॉलर अच्छी गेंद करते हुए और अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर। ओ अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। मुज्जू कोशिश तो कर रहे हैं मारने की, लेकिन वो स्ट्राइक नहीं देना चाहते अपने सामने वाले बैट्समैन को। चार गेंदों में 14 रन की आवश्यकता और ये मारने की कोशिश और ये पल्ला भारी होते हुए आयरा 11 पे। बाहर, ये आउट हो चुके। कोशिश की थी और यहाँ पे विकेट जाता हुआ मुज्जू का। शिबू यहाँ पे बैटिंग करते हुए दो गेंदों में अच्छी बॉल डालते हुए यहाँ पर, और ये शायद मैडन ओवर हो सकती है एक विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद, 14 रन की आवश्यकता और ये मैडन ओवर यहाँ पर। मैडन ओवर और विकेट लेते हुए विन होते हुए पहला प्रवेश करेंगे आयरा 11 सेमीफाइनल। बॉल प्लीज, बॉल 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 प्लीज, फाइनल में, फाइनल में यहाँ पे प्रवेश करते हुए आयरा 11। कांग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छी यहाँ पे मुकाबला हुआ, फाइनल में पहुंच चुके ये टीम। और इंजॉय करते हुए काफी हल्ला काफी गुल्ला करते हुए यहाँ पर, बहुत ही उमदा क्रिकेट यहाँ पे हुआ है। अभी बड़े स्कोर से यहाँ पे हराए, बड़े रन रेट से हराए ईसीसी को, ईदगाह 11 ईदगाह क्रिकेट क्लब को। मैन ऑफ द मैच, इस मैच के जो